हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हॉर्टिकल्चर ज्ञान। एंड टुडे वी आर डीलिंग विथ मैंगो क्रॉप्स। लेट अस स्टार्ट हियर। बोटेनिकल नेम जो है दोस्तों, मैंगी फेरेंडिका है। और इसके अलावा जो है फैमिली जो है इसकी एनाकार्डिएशी है। और ये ओरिजिन जो है इसका इंडो बर्मा रीजन है। और यहाँ पे मैंगो माल फॉर्मेशन जो कि मैंगो की बहुत बड़ी डिशेस है, जो कि पहला ऑब्जर्व कहाँ गया किया गया था 1891 बिहार में। और इसमें जो है मालभोग वैरायटी जो मैंगो की है, ये ससेप्टिबल मोस्ट ससेप्टिबल होती है किससे? वाटर लॉक कंडीशन से। कौन सी वैरायटी? ये मालभोग वैरायटी। इसके अलावा है दशहरी। दशहरी जो है, दशहरी वैरायटी जो है सबसे ज़्यादा फ्रूट रिटेंशन रहता है ना। फ्रूट रिटेंशन की क्वालिटीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा है लंगरा वैरायटी, जो कि परफेक्ट फ्लावर की संख्या सबसे हाईएस्ट होती है दोस्तों। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, मैंगो मैंगो कैन विथस्टैंड डेफिशिएंसी ऑफ पीए बट नॉट के। फास्फोरस की डेफिशिएंसी को सहन कर सकता है बट के, मतलब पोटेशियम की डेफिशिएंसी को ये सहन नहीं कर सकता। इसके अलावा है मैंगो वैरायटी मुलगोवाइज मोनो एम्ब्रॉयनिक इन इंडिया। मुलगोवा क्या है? मोनो एम्ब्रॉयनिक कहाँ है? इंडिया में। ओके, और ये पॉली एम्ब्रॉयनिक है कहाँ पे? है फ्लोरिडा में। कौन सा? मुलगोवा। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कौन है? मैंगो है। अबाउट 39% ऑफ वर्ल्ड मैंगो जो है कहाँ प्रोड्यूस होता है? इंडिया में प्रोड्यूस होता है दोस्तों। इसके अलावा है हाई प्रोडक्टिविटी इन दी वर्ल्ड, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन दी वर्ल्ड, ये कहाँ होता है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी मैंगो का? जो कि वेनेजुएला में होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नॉर्दर्न इंडियन वैरायटी जो है क्या होती है? नॉर्दर्न इंडियन वैरायटी अल्टरनेट बियरर होती है, मोनो एम्ब्रॉयनिक होती है और सेल्फ इनकम्पैटिबल होती है। इसके अलावा है साउथ इंडियन वैरायटी। साउथ इंडियन वैरायटी कैसी होती है? रेगुलर बियरर होती है और ये पॉली एम्ब्रॉयनिक होती है। नेक्स्ट आता है पोलिनेटर हाउस। पोलिनेटर क्या होता है मैंगो में? हाउस फ्लाई होता है। पोलिनाइजिंग वैरायटी बॉम्बे ग्रीन होती है ना। हाईएस्ट विटामिन सी होता है उसमें दोस्तों। सॉरी। नेक्स्ट आते हैं मेच्योरिटी इंडाइसेस। अल्फांसो का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.01 से 1.02 होता है। और इसके अलावा है दशहरी, दशहरी का 1 होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंगो जो है हाईली ससेप्टिबल होता है किससे? लो टेम्परेचर से। लो टेम्परेचर है ना, लो टेम्परेचर इंजरी से। ठीक है, डेट वाई इसलिए इसे क्या करते हैं? स्टोर करते हैं अबव 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज, है ना। ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़ है दोस्तों। इसके अलावा देखते हैं VHT। VHT क्या है? वेपर हीट ट्रीटमेंट है। ये किस लिए किया जाता है? मैंगो को फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए। फ्रूट फ्लाई हो गया और स्टोन वीविल से बचाने के लिए क्या किया जाता है? वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट आते हैं, 2 क्रॉप ऑफ मैंगो इज टेकन इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। 2 क्रॉप लिया जाता है ना, कहाँ? कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसके अलावा मैंगो हाइब्रिडेशन वर्क जो है पहली बार किसने किया था? माइक्रो हाइब्रिडाइजेशन वर्क बर्न्स एंड प्रयाग ने किया था। कब किया था? 1911 पुणे में किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं केगिंग टेक्निक ऑफ ब्रीडिंग। जो केगिंग टेक्निक है ब्रीडिंग की, वो यूज्ड की जाती है कि यूज्ड किया गया मैंगो में किसके द्वारा? आर.एन. सिंह द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं गुड मैंगो वैरायटी। जो गुड मैंगो वैरायटी है उसकी TSS कितनी होती है दोस्तों? 20%। नेक्स्ट आते हैं पॉली एम्ब्रॉयनिक रूट स्टॉक ऑफ मैंगो। जो पॉली एम्ब्रॉयनिक रूट स्टॉक है मैंगो का कौन कौन सा है? बप्पा काई है, चंद्रकरण है, गोवा है, ओल्लूर है, कुरुक्कन है, सोलान है, विलाई कुलम्बन है, नीलेश्वर डॉर्फ है और एक यहाँ पे क्या है? मूल गोवा और बेल्लारी भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं रुमानी। रुमानी क्या है? डॉर्फिंग इफेक्ट इन दशहरी है ना।
रोमानी जो एक वैरायटी है जो कि ड्वार्फिंग इफेक्ट के लिए हम दशहरी में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ओलूर। ओलूर जो है ड्वार्फिंग इफेक्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, लंगरा और हिमसागर में, किसका, ओलूर का। नेक्स्ट है विलाईकुलंबन। विलाईकुलंबन जो है ड्वार्फिंग इफेक्ट अल्फांसो में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, विलाईकुलंबन का। नेक्स्ट है साल्ट रेसिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ मैंगो। साल्ट रेसिस्टेंट रूट स्टॉक जो है मैंगो का वो कौन सा है, कुरुक्कन है, मुवंदन है, निकारी है, ये जो है साल्ट रेसिस्टेंट रूट स्टॉक है मैंगो का। ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ परफेक्ट बाईसेक्सुअल फ्लावर जो कि हाईएस्ट किस में होता है, लंगरा वैरायटी में होता है, जो कि 68.9% होता है, और लोवेस्ट जो होता है 0.74% जो कि रुमानी वैरायटी में होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इन मैंगो। मैंगो में क्या है, ओनली 0.1% फ्लावर परफेक्ट डेवलप होता है फ्रूट टू मेच्योरिटी, है ना, मेच्योरिटी के लिए। ठीक है, स्प्रे टू 4D 10 PPM टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम जो है 0.1% ही फ्लावर जो है डेवलप होते हैं, क्या है वो, फ्रूट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों स्पंजी टिश्यू वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय किसके, जा स्पंजी टिश्यू जो कि अपन देखते हैं मैंगो में, जो कि अल्फांसो में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जो कि ऑब्जर्व किया गया था किसके द्वारा, चीमा एंड धानी के द्वारा 1934 में। नेक्स्ट आता है इंडियन कंट्रीब्यूट्स 54.2% ऑफ टोटल मैंगो प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड। ठीक है, 54.2% जो है मैंगो प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड में इंडिया करता है। इसके अलावा है टेम्परेचर बिटवीन 24 to 27 डिग्री सेल्सियस इज आइडियल फॉर मैंगो कल्टीवेशन। 24 से 27 डिग्री सेल्सियस जो है आइडियल होता है मैंगो कल्टीवेशन के लिए, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड पॉली एम्ब्रॉनिक रूट स्टॉक ऑफ मैंगो। इंट्रोड्यूस्ड पॉली एम्ब्रॉनिक रूट स्टॉक जो मैंगो की है वो क्या है, एप्रिकॉट है, सीमोंट्स है, हिगिन्स है, पीको है, सबरे है, स्ट्रॉबेरी है, और कॉम्बोडियाना टर्पेंटाइन, ठीक है, और काराबाओ और सैगॉन। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दशहरा, दशहरी, लंगरा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन जो है सेल्फ इनकम्पेटिबल मैंगो कल्टीवर्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये दशहरी, अगेन दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन आर सेल्फ इनकम्पेटिबल कल्टीवर्स। नाउ जेवियर वैरायटी जो है हाईएस्ट टीएसएस होता है 24.8 ब्रिक्स का, अदरवाइज 20 ब्रिक्स ही रहता है, मैंने बताया था, और यहाँ पे 24.8 किसमें, जेवियर वैरायटी में। स्टोरेज टेम्परेचर जो है मेच्योर फ्रूट का 6 to 7 डिग्री सेल्सियस होता है, 6 to 7 डिग्री, और राइपन फ्रूट का 20 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान में रखिएगा, राइपन का 20 डिग्री सेल्सियस और मेच्योर फ्रूट का 6 to 7 डिग्री सेल्सियस। लॉन्गिविटी जो है मैंगो सीड्स की कितनी होती है, 30 डेज, मतलब 4 वीक होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है ब्लैक टिप। ब्लैक टिप जो है पहली बार ऑब्जर्व किया गया 1909 में, कहाँ, वुडहाउस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रोमानी वैरायटी। जो रोमानी वैरायटी है मैंगो की वो क्या है, एप्पल शेप्ड फ्रूट है, कैसा है, एप्पल शेप्ड फ्रूट है, कौन सी, रोमानी वैरायटी। ओके, नेक्स्ट आते हैं वैरायटीज़ को अपन देखते हैं, अल्फांसो, बंगनपली, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी, फजली, केसर, लंगरा, निरंजन। हाँ निरंजन देख लो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ सीज़न वैरायटी है ये, ऑफ सीज़न बियरर है ये, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसके अलावा नीलम है बेस्ट कंबाइनर वैरायटी, रोसिका, हाँ रोसिका एक इम्पॉर्टेंट है जो कि म्यूटेंट वैरायटी है मैंगो की। इसके अलावा जो है हाँ लाल, लाल सिंदूरी, लाल सिंदूरी क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है एक। और इसके अलावा रेगुलर बियरिंग वैरायटी आप देख सकते हो, जो कि ये है नीलम, गुलाब खास, हिमसागर पैरी, तोता पैरी। ठीक है, ऑफ सीज़न बियरर जो है, ऑफ सीज़न बियरर ये इम्पॉर्टेंट है एक, निरंजन मधुलिका जो है ऑफ सीज़न बियरर है। ओके, और
हाँ, एक और आप देख सकते हैं मोल गोवा। मोल गोवा जो है मदर ऑफ ऑल कलर्ड कल्टीवर ऑफ मैंगो। मोल गोवा जो है कलर्ड कल्टीवर का मदर कहा जाता है। और इसके अलावा जो है यूज़फुल फॉर मेकिंग प्रिजर्व, मोल गोवा से प्रिजर्व भी बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं मलिका का, देख लीजिएगा। मलिका जो है अंडी की, ये पूछता है मलिका आम्रपाली दशहरी इंटू नीलम ड्वार्फ है ना, रत्ना नीलम इंटू अल्फांसो, सिंधु रत्ना इंटू अल्फांसो, अर्का पुनीत, यह अर्का रूना बंगनपाली इंटू अल्फांसो। ठीक है दोस्तों, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो है न्यू वैरायटी जो है पूसा सूर्या है, पूसा रुनीमा है। ठीक है, और देखते हैं आगे। यहाँ पे अक्षय जो है सिलेक्शन फ्रॉम द शहरी है, और साइसुगरता है क्रॉस बिटवीन तोतापरी एंड केसर, फ्री फ्रॉम माल्ट फॉर्मेशन, सूटेबल फॉर पल्प मेकिंग। ओके, यहाँ तक है दोस्तों। आप आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।